वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर, जिसमें हम अब नंबर्स के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन, पहले तो क्या है कि इन द प्रीवियस क्लास अपन ने पहले छोटे होते मतलब कि प्रीवियस क्लास पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब हम देखते हैं अबाउट इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं? अ कंबाइंड सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। की नेगेटिव नंबर जो हमारे होते हैं, जिनके आगे हमारा नेगेटिव का साइन होता है यानी कि माइनस का साइन होता है, और होल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3 एस, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इनका कंबाइंड सेट उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसमें जैसे पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, जिनके आगे हम ये माइनस का निशान नहीं लगाते, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जो भी हमारी काउंटिंग होती है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। एंड दी अदर आर नेगेटिव, जिनके आगे अब हम सब्सट्रैक्शन का साइन यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। इसमें से एक नंबर होता है, डिजिट होती है हमारी ज़ीरो। ये ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में आती है और ना ही पॉजिटिव में आती है, ये ज़ीरो के नाम से ही हम इसे जानते हैं अब तक, ठीक है। अब बारी आती है एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, पूर्ण वैल्यू मतलब कि पूरी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, कैसे, ठीक है। अब हमारे पास एक साइन होता है इस तरह का एक साइन होता है, जिसे या तो मोड के नाम से जानते हैं या हम मैग्नीट्यूड, कौन से नाम से, मोड या मैग्नीट्यूड, यूजिंग फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे माइनस की कोई वैल्यू है, अगर हमें कह दे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या अप्लाई कर देते हैं, मोड अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, मोड। जब हम इसका मोड हटाते हैं तो जो माइनस का साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा प्लस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अब तक हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी है वो हमारी सिंपल एडिशंस होती हैं, जैसे 154 में हम 652 ऐसे प्लस कर देते हैं। अब हमारी एडिशंस शुरू हो जाती हैं कुछ इस तरह से, इनको हमें ऐसे प्लस करके दिखाना है। इसमें जो होते हैं साइन क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हमें ये पता है प्लस प्लस हमारी क्या होती है, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। जब हम करते हैं प्लस माइनस हमारी क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। और माइनस क्या होती है हमारी, ऑलवेज प्लस होती है, ठीक है। और एक बात और, जैसे हमें यह दिया हो -15 + 7, तो -15 + 7 माइनस प्लस क्या होगी हमारी, माइनस, तो 15 में से 7 के कितना आएगा। चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे, अबाउट साइंस। साइंस जो होते हैं हमारे मेन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि प्लस प्लस क्या होती है हमारी, प्लस होती है, माइनस प्लस क्या होती है हमारी, माइनस, और माइनस माइनस हमारी क्या होती है, प्लस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें दे दिया -14 + 7, अब हमें इसे सोल्व करके दिखाना है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऐसे कोई सम नहीं देखे थे, इसलिए अब हम ऐसे सम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो -14 + 7, ठीक है, माइनस प्लस यानी कि माइनस प्लस क्या होगी हमारे पास, माइनस होगी, 14 में से 7 गए, क्या आएगा, 7, क्या आएगा, 7। बट जो इसके आगे साइन आएगा, ठीक है, जो साइन आएगा वो हमारा किसका आएगा, जो डिजिट हमारा बड़ा है। इस डिजिट में हमारे पास कौन सा बड़ा है, 14, 14 के आगे कौन सा साइन है हमारा, माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 7, क्या आएगा, माइनस का 7। अगर बाय चांस 14 प्लस का होता और जो 7 है हमारा माइनस का होता, तो हम इसके आगे क्या लगाते, 7 प्लस, क्या लगाते, प्लस लगाते, माइनस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में भी सेम ही होता है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। बट माइनस और प्लस की जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास माइनस आएगी। ऐसे ही हमारे पास डिवीज़न में होता है, डिवीज़न में भी सेम प्रोसीजर चलता है। अगर हम प्लस और प्लस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। बट अगर हम डिवाइड करेंगे प्लस और माइनस को, एक डिजिट हमारा माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो वो उसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और थर्ड कौन सा होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आती है, हमारी प्लस आ जाती है। क्या आ जाती है, प्लस आ जाती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो ए पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय में 9। तो अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 11 और ये 9, 9 के आगे अब कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये किसका साइन है, हमारे पास प्लस का, किसका साइन है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होगी, हमारे पास माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। 11 9 जा 99, क्या आ गया, 99। ऐसे अब हम सारों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, डिटरमाइन द क्वेश्चन फॉर ईच। अब इसमें हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन किस में होता है, डिवीज़न में, तो डिवीज़न वाला डिवीज़न करनी है अब इसमें हमने। तो हमारे पास ए पार्ट क्या है, 72 डिवाइड बाय माइनस का 6। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 72 को माइनस 6 से क्या करना है, डिवाइड। ऊपर जो साइन है न्यूमिनेटर में हमारे पास किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का है। अब प्लस माइनस माइनस, अब 72 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 वन जा 6, 7 में से 6 गए 1, 2, 6 टू जा 12। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, 12। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब बाकी सम भी इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे, भी क्या होगी, माइनस होगी। 11 9 जा 99, क्या आ गया, 99। ऐसे अब हम सारों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, डिटरमाइन द क्वेश्चन फॉर ईच। अब इसमें हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन किस में होता है, डिवीज़न में, तो डिवीज़न वाला डिवीज़न करनी है अब इसमें हमने। तो हमारे पास ए पार्ट क्या है, 72 डिवाइड बाय माइनस का 6। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 72 को माइनस 6 से क्या करना है, डिवाइड। ऊपर जो साइन है न्यूमिनेटर में हमारे पास किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का है। अब प्लस माइनस माइनस, अब 72 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 वन जा 6, 7 में से 6 गए 1, 2, 6 टू जा 12। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, 12। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब बाकी सम भी इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे।